नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। बिरसा जिले के पठारी तहसील में जित्तू खरे के लोकगीत कार्यक्रम में उमड़ा जनसैलाब, पुलिस को करनी पड़ी भारी मशक्कत। आपको बता दें कि पठारी थाना क्षेत्र नव दुर्गा उत्सव समिति ने सुप्रसिद्ध बुंदेलखंडी लोकगीत गायक जित्तू खरे बादल के भजनों का लोकगीत कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें क्षेत्र का जनसैलाब उमड़ गया, जिससे कार्यक्रम स्थल वाना साबित होने लगा। अचानक भीड़ बढ़ जाने की वजह से पुलिस को भीड़ को सुव्यवस्थित करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। यहाँ तक कि थाना प्रभारी के साथ तहसीलदार को भी संभालना पड़ा। थाना क्षेत्र नव दुर्गा उत्सव समिति के द्वारा भव्य रात्रि जागरण का कार्यक्रम आयोजन किया गया, जिसमें सुप्रसिद्ध बुंदेलखंडी गायक जित्तू खरे ने अपने साथियों के साथ मनमोहक और आकर्षक प्रस्तुतियां देकर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। देर रात तक चलने वाले कार्यक्रम में धार्मिक भजन और धार्मिक लोकगीतों की प्रस्तुति दी गई, जिससे श्रोता झूमते हुए नजर आए। कार्यक्रम का संचालन समिति अध्यक्ष अमित शर्मा ने किया। वहीं इस दौरान सरपंच देवेंद्र सिंह ठाकुर, अमित शर्मा, रज्जन सुमन, पृथ्वी सिंह चौहान सहित समिति के पदाधिकारी, कार्यकर्ता व भारी संख्या में पठारी के लोग मौजूद रहे। अधिक जानकारी के लिए आइए देखते हैं विदिशा पठारी से हमारे रिपोर्टर आशीष सहेले की रिपोर्ट। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अरे घर वाले से तेरे रखे घर वाली कैसी होगी, तो एक सेब बोले जब तेल वाला ऐसा है, जब तेल वाला ऐसा है तो सिरो वाली कैसी। जब एक समय माँ पार्वती को भूख लगी तो उनने कहा अपने पति से यानी शंकर जी से कही, उनने आई तो जितने देव हटे उनने भर दो, कि जब जे शंकर जी खिलाने तक नहीं समझ रही तो हमारों की कहा मिलती है, इसे छो भगो। देखे आपका चर्चा भाई के सोरे और असोरे को काट रही, और खून को उनके चाट रही है। तो देव बोले इतने लाइन का हो रही, सावन कैसे हो मेरा साजन कैसा होगा, लेकिन देखिए स्वर और असुर को काट रही है, खून को उनके चाट रही है। देव बोले कि घर वाला भी स्वयं डरे घर वाली कैसी हो। निवेदन करता हूँ मन भावना आप ही बल हो इसमें। Thank you.